क्वेश्चन नंबर फोर फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 एंड क्वेश्चन नंबर फोर। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x एंड हमें प्रूव करना है प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव लोकल मैक्सिमा और मिनिमा राइट एंड वी नो इफ एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी x इंप्लाइज एफ एक्स डज नॉट हैव लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है तो फंक्शन का कोई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। दिस इंप्लाइज एफ डैस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई एक्स but ex can never be zero for all x belonging to R. x की कोई भी वैल्यू हो यह फंक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। this implies fx does not have any maxima और मिनिमा। एफ एक्स का कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स एंड वी नो लॉग एक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो राइट। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो। Now if you find g dash x, so g dash x will be 1 upon x. g dash x क्या हो गया 1 upon x. And for x greater than 0, 1 upon x is never equal to 0. 1 upon x कभी भी 0 नहीं होगा. Which implies, अगर f dash x या g dash x 0 नहीं है, तो g x का कोई maxima या minima नहीं होगा. GX does not have any maxima or minima. FX का कोई maxima या minima नहीं होगा right? Next, third part of this question. एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। दिस इज फंक्शन एच एक्स। लेट अस फाइंड एच डैश एक्स दैट विल बी थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। Now, let us check its discriminant D. Class 10th में आपने पढ़ा हुआ है D is equal to B square minus 4AC. What is B? B is 2. So 2 square 4 minus 4A. What is A? 3. And what is C? 1. So it is 4 minus 12, that is minus 8, less than 0, right? अगर हम h dash x को 0 put करते हैं, तो उसका कोई real root नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर discriminant less than 0 है. Putting h dash x is equal to 0 gives you 3x square
plus 2x plus 1 is equal to 0, which does not have any real roots, implies f dash x 3x square plus 2x plus 1 can never be 0. जब इसके रूट ही नहीं है तो ये जीरो हो ही नहीं सकता. दिस इंप्लाइज एफ एक्स डज नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, राइट. इस टाइप से आपको फाइंड करना है. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा? पहले भी मैंने आपको बताया है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑन ए गिवन इंटरवल. किसी भी गिवन इंटरवल पे फंक्शन की जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा. ठीक है, सपोज ये फंक्शन है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज पॉइंट बी. इंटरवल ए और बी के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड है. दिस इज एक्स वन पॉइंट, दिस इज एक्स टू पॉइंट, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू लेस देन एक्स थ्री एंड लेस देन एक्स फोर. एक्स वन पॉइंट पे फंक्शन का क्या है? लोकल मैक्सिमा. एक्स टू पॉइंट पे फंक्शन का क्या है? लोकल मिनिमा. अगेन एक्स थ्री पॉइंट पे लोकल मिनिमा मैक्सिमा एंड एट एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स फोर लोकल मिनिमा. सो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन गिवन इंटरवल ए बी इज दिस. यू कैन राइट दिस वैल्यू एज एफ ऑफ ए. सो एफ ऑफ ए इज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन थ्रू आउट द इंटरवल ए टू बी. एंड हाइएस्ट वैल्यू इज दिस वैल्यू इज हाइएस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, राइट, विच इज एफ ऑफ एक्स थ्री. एक्स थ्री इज हाइएस्ट वैल्यू एंड एफ ऑफ ए इज लोवेस्ट वैल्यू. सो एफ ऑफ ए विल बी एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन एंड एफ ऑफ थ्री विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन, राइट. एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा कहीं पर भी हो सकते हैं, एट पॉइंट ऑफ एनी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, या फिर इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे भी हो सकते हैं, राइट. लेट अस डू सम क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस. फर्स्ट पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. एफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. सो व्हाट विल बी एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स विल बी थ्री एक्स स्क्वेयर. एंड एक्स कहाँ बिलोंग करता है? माइनस टू 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 क्लॉज इंटरवल, राइट. इफ वी पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, putting f dash x is equal to 0, you will get 3x square is equal to 0, that gives you x is equal to 0. इस x is equal to 0 के ऊपर फंक्शन का या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, राइट. एंड इंटरवल के एंड पॉइंट्स है माइनस टू एंड टू. इन तीनों पे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है.
एफ ऑफ माइनस टू, माइनस टू का होल क्यूब दैट इज माइनस एट, एंड एफ ऑफ टू एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल अगेन एक्स क्यूब दैट इज टू क्यूब विच इज एट, एंड एफ डैश एक्स एट जीरो, जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स को यहाँ जीरो डालेंगे दैट विल बी जीरो, राइट। सो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज माइनस एट, हाइएस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एट। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ फंक्शन इज एट एंड एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ फंक्शन इज माइनस एट एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू टू, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू, माइनस टू से टू के बीच में इस फंक्शन की क्या है, कैसी वैल्यू है, एट इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है एंड माइनस एट इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉसेस एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, इसकी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो वी विल गेट कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, दैट इज यू कैन से टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वन, टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होगा वन के इक्वल, राइट, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वन, अगर टेंजेंट एक्स को वन लेते हैं तो एक्स विल बी व्हाट, एक्स हमें दिया हुआ है जीरो से पाई के बीच में, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी, एक्स कैन बी पाई बाई फोर, एक्स 45 डिग्री हो सकता है, जीरो से पाई बाई फोर के बीच में एक ही पॉइंट ऐसा हो सकता है जहाँ पर टेंजेंट एक्स पॉजिटिव है, सो एक्स विल बी पाई बाई फोर ओनली, राइट। इस पॉइंट पे या तो फंक्शन का लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। सो अब इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं, इंटरवल के एंड पॉइंट दिए हैं जीरो से और पाई, आपको जीरो पाई और पाई बाई फोर तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ जीरो, एफ जीरो में यहाँ डालेंगे साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, एफ ऑफ पाई बाई फोर डालते हैं साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, कॉस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, ठीक है, लेकिन एफ पाई बाई फोर इज, हाँ ठीक है, दैट विल बी रूट टू, एंड एफ ऑफ पाई यहाँ क्या पुट करेंगे साइन पाई दैट इज जीरो प्लस कॉस पाई दैट इज माइनस वन, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए एफ जीरो हमने फाइंड किया वन आया, एफ पाई बाई फोर फाइंड किया रूट टू आया, दैट इज इक्वल टू 1.414, ठीक है। थर्ड पार्ट में एफ ऑफ पाई फाइंड किया विच इज माइनस वन, सो लोवेस्ट वैल्यू इज माइनस वन, देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज वन एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज माइनस वन, ऊपर वाले में क्या था एट एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज वन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो,
नहीं नहीं पाई बाई फोर पे उससे भी बड़ी वैल्यू है, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज 1.4 या √2 एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। एब्सोल्यूट मिनिमा इज -1 एट एक्स इज इक्वल टू पाई, करेक्ट। इसी तरह से इसके